नमस्कार, मैं राजीव श्री रविंद्र सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी शिक्षा में शुद्ध निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT प्राइमरी बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय की पुस्तक रिमझिम के पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ कहानी में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIAI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। पाठ का सार, प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि सबसे अच्छा पेड़ तीन भाइयों के द्वारा नए घर को तलाश करने की गतिविधि पर आधारित है। इसमें हिंदी के साथ पर्यावरण अध्ययन विषय से विभिन्न प्रकार के पेड़ों की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। नवाचार की उपयोगिता एवं नवीनता, इस नवाचार की उपयोगिता है कि कक्षा के छात्र अपने मौलिक ज्ञान से अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही पाठ से अलग अलग तरह के प्रश्न तैयार करते हैं, जिससे पाठ का पुनः अध्ययन आसान हो जाता है। नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन की अवधारणा के माध्यम से कठिन शब्द और पेड़ पौधों की जानकारी की सहायता से प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसमें किसी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रश्न बैंक बनाने के निर्देश, इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों को 7 समूह में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो अपने समूह का नेतृत्व करता है। प्रतिनिधि प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक तैयार करते हैं, जिसमें वैकल्पिक तथा व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बनाते हैं। समूह आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूहों के प्रश्न बैंकों की सहायता से कक्षा का प्रश्न बैंक बना लिया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिसको विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न 1, तीनों भाई नए घर की तलाश में कब निकले? उत्तर, सुबह के समय। प्रश्न 2, पेड़ के पके आम तोड़कर उन्होंने क्या किया? आम का मीठा रस चूसने लगे। नारियल का पेड़ कैसा था? उत्तर, बड़ा लंबा और पतला। छांव का क्या अर्थ होता है? उत्तर, छांव। इसी तरह शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करवाते हैं। आइए देखते हैं इस नवाचार को लागू करने से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त होते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सामंजस्य बनता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। छात्र शिक्षक एवं अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करते हैं, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इससे विषय वस्तु की समझ भी विकसित होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में दृढ़ता एवं विनम्रता जैसे मूल्यों का विकास होता है। साथ ही प्रभावी संप्रेषण एवं समस्या समाधान के कौशल का भी विकास होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा का माहौल बनाता है और साथ ही यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इसमें PRT अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक सबसे अच्छा पेड़ पाठ को साल के निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIAI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIAI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।